दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर लेजेंडरी गेम में AWM का वर्ल्ड वाइड बेस्ट प्लेयर कौन है? और साथ में क्या आप ये भी जानते हैं कि फ्री फायर मैच खेलते टाइम सबसे ज्यादा यूजर्स किस लॉन्ग रेंज गन का यूज करते हैं? दोस्तों, अगर आप एक फ्री फायर प्लेयर हैं तो आपको यह वीडियो पूरी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 7, आपने आज तक फ्री फायर के एक से बढ़कर एक प्रो प्लेयर देखे होंगे और हर प्रो प्लेयर की किसी एक गन पर कमांड सबसे ज्यादा होती है। अगर मैं आपको वर्ल्ड फेमस AWM के लीजेंड के बारे में पूछूं तो क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं कि फ्री फायर का सबसे खतरनाक AWM प्लेयर कौन है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि लोरम नाम के इस प्लेयर को AWM का गॉड कहा जाता है। अगर आप एक बार इसकी AWM स्किल्स देख लेंगे तो आप भी इसके तगड़े वाले फैन बन जाएंगे। लोरम के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद भी उनके चैनल पर सिर्फ 5 वीडियोस ही डली हुई हैं और उन 5 वीडियोस से ही उन्होंने 7 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स को इकट्ठा किया है। फैक्ट नंबर 6, फ्री फायर का पूरा नाम केवल फ्री फायर नहीं है, बल्कि इसका पूरा नाम गैराना फ्री फायर बैटल ग्राउंड है, जो कि एक एक्शन एडवेंचर बैटल रॉयल गेम है। इस अमेजिंग गेम को 111 स्टूडियो द्वारा बनाया गया है, जिसे ऑफिशियली गैराना ने वर्ल्ड वाइड लॉन्च 20 नवंबर 2017 को किया था। फैक्ट नंबर 5, फ्री फायर को दुनिया में सबसे ज्यादा ब्राजील देश में खेला जाता है और अगर पूरी दुनिया की ही बात की जाए तो पूरी दुनिया में 500 मिलियन से भी ज्यादा गेमर्स इस गेम में रजिस्टर्ड हैं और 50 मिलियन गेमर्स ऐसे हैं जो इसे डेली बेसिस पर रेगुलर खेलते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट जरूर कर दें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। फैक्ट नंबर 4, अगर आंकड़ों को देखा जाए तो एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर को मिला दे तो सन 2018 में फ्री फायर दुनिया का चौथा सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला गेम बन गया था और यह गेम 2019 में पहले स्थान पर पहुंच गया था। अगर एक और रिपोर्ट की माने तो मंथली बेसिस पर फ्री फायर आज की डेट में टिंडर और नेटफ्लिक्स जैसे फेमस प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ते हुए $37 मिलियन की कमाई कर रहा है। इस डाटा को सेंसर टावर रिसर्च सेंटर ने हाल ही में पब्लिश किया था। फैक्ट नंबर 3, इस गेम में गैराना ने बेसिकली यूजर्स को दो तरह की गन्स दी हैं, यानी कि लॉन्ग रेंज गन और एक शॉर्ट रेंज गन, और फ्री फायर का हर खिलाड़ी ही अपने साथ इन दोनों गन्स को कैरी करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में लॉन्ग रेंज के लिए सबसे ज्यादा यूजर्स किस गन को यूज करते हैं? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि स्कार एक ऐसी गन है जिसे प्रो प्लेयर्स द्वारा लॉन्ग रेंज के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, अगर आप जल्द से जल्द फ्री फायर में एक प्रो प्लेयर बनना चाहते हैं तो अब मैं आपको जिन 5 जगहों पर लैंड होने के लिए बोलूंगा, आपको केवल उन्हीं जगहों पर लैंड होना है और अपने एनिमी से फाइट लेनी है। ये टॉप 5 प्लेसेस हैं पोचिनोक, केप टाउन, पीक, फैक्ट्री और क्लॉक टावर। ये 5 जगह ऐसी हैं जहां पर आज तक के फ्री फायर के सबसे प्रो प्लेयर्स ने उतर कर अपनी स्किल्स को बहुत जल्दी डेवलप किया है। आप इन जगहों को किसी पेज या फिर नोटबुक में जरूर लिख लीजिए, ताकि आपको अपने गोल के बारे में हमेशा याद रहे। फैक्ट नंबर 1, फ्री फायर का हर मैच जीतने के बाद लास्ट में बुया लिखा आता है। आप ये तो जानते ही होंगे कि बुया का असली मतलब खुशी होता है, जो कि किसी खेल को जीतने के बाद मिलती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यह वर्ड किस देश में यूज किया जाता है? दरअसल आपको बता दें कि बुया वर्ड US में यूज किया जाता है और इस वर्ड का इंग्लिश लैंग्वेज में कोई मीनिंग ही नहीं होता, बल्कि इसे एक फीलिंग के तौर पर यूज किया जाता है। कहते हैं कि 2005 में एक लाइव शो के दौरान एक प्लेयर ने अचानक से गेम खेलते हुए बुया बोल दिया था, जिसके बाद से अक्सर इस वर्ड को प्लेयर्स द्वारा यूज किया जाता है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें